कश्मीर के जिला बारामूला के कस्बे औकाफ मार्केट में रविवार सुबह आग लगने की घटना में एक दुकान पूरी तरह से जल गई। बारामूला में आग और आपातकालीन सेवा अधिकारी ने कहा कि 3 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित एक दुकान में रविवार सुबह आग लगी, जहां आग लगने की जो रीजन है वो जल्द से जल्द पता लगाया जाएंगे और मामले दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। कि आज जो जदीद मार्केट बारामूला में एक आग नमूदार हुई, कल 8:30 बजे तक बिल्कुल इसकी दुकान ओके थी, क्योंकि 8:30 बजे इसने दुकान कल बंद की। सुबह 4:30 बजे तक इसकी दुकान बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि इसने अपने मोबाइल पर चेक किया था, सारा सिस्टम ठीक था। 4:30 से 5 बजे के बीच में इसका जो CCTV है उसकी कवरिंग ख़त्म हो गई और उसके साथ ही आग नमूदार हुई। तकरीबन 1.5 करोड़ का नुकसान है। मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर सैरिश असगर से पुरजोर अपील करता हूं कि बींग ए चेयरमैन रेड क्रॉस सोसाइटी, इसको भरपूर मावनत होनी चाहिए, क्योंकि इसका 1.5 करोड़ के आसपास तकरीबन नुकसान है। और इसके साथ साथ मैं बारामूला के सारे आसुदा हाल ताजनों से भी पुरजोर अपील करता हूं कि इस इम्तिहान की घड़ी में वो सामने आए और इस भाई को हम मिलजुल कर रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करें, क्योंकि इसने पिछले ही दिनों तकरीबन 70-80 लाख रुपए का माल नया लाया था, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, तो क्योंकि इसकी डीलिंग ही इसी के साथ थी। तो मेरी पुरजोर अपील है आसुदा हाल ताजनों से कि मेहरबानी करके आप सामने आए इस वक्त, इस भाई को हम नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो शो मन की बात